वेलकम टू माई क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम टेक्स फंक्शन और लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन को यूज करेंगे text function के के मैं तीन फंक्शन लूंगा अपर टेक्स्ट एंड लेफ्ट फंक्शन लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन के केस के अंदर मैं रो फंक्शन को टेकअप करूंगा आईगा मूव करते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ सबसे पहले हम फिफा के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं फिफा स्टैंड फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन एक्चुअल वर्ल्ड ये फ्रेंच का है इंग्लिश के अंदर हम इसको नाम दे देते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन हमारे को यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट दी गई है सबसे पहले यहाँ पर एक कंट्री के नाम के तीन अल्फाबेट्स आने चाहिए और चार डिजिट्स आने चाहिए जो कि यूनिक होने चाहिए सो फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स ऑफ कंट्री नेम और उसके बाद फोर डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर आने चाहिए हमारे पास फुटबॉल खेलने वाली कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं इन कंट्रीज़ के नाम से हमने पहले तीन अल्फाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद इन्हें चार यूनिक डिजिट्स देने हैं मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तीन स्टेप्स के अंदर आपके सामने टेकअप करूँगा सबसे पहले मैं इस जगह के ऊपर इन कंट्रीज के पहले तीन अल्फाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा इसके लिए मैं यहां पर फंक्शन ले रहा हूं अपर टेक्स्ट के केस के अंदर मैंने यहां पर लेफ्ट दे दिया लेफ्ट में से टेक्स्ट दिस इज अवर टेक्स्ट सेकेंड आर्गुमेंट इज नंबर ऑफ करेक्टर्स तो मैंने यहां पर थ्री दे दिया पेरेंथीसिस क्लोज आई क्लोज द फाइनल पेरेंथीसिस आई एंटर जैसी मैंने एंटरप्रेस किया मेरे पास यहाँ पर कंट्री के तीन अल्फाबेट्स आ गए और उसको हमने अपर केस के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया दिस इज द फंक्शन विच वी यूज इट अब मैं इसको नीचे डाउन कर देता हूँ मेरे पास सभी कंट्रीज के पहले तीन अल्फाबेट्स आ गए नाउ आई मूव टू द सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप के अंदर मुझे यहाँ पर चार डिजिट चाहिए जिसके अंदर की ये यूनिक होना चाहिए तो ये सारी रोज भी यूनिक हैं तो मैं रो के फंक्शन को यहाँ पर टेकअप कर लेता हूँ सो स्टेप टू के अंदर दिस इज इक्वल्स टू टेक्स्ट टेक्स्ट के केस के अंदर मुझे वैल्यू देनी है तो वैल्यू के अंदर मैंने रो की वैल्यू को पास कर दिया रो फंक्शन रो फंक्शन के अंदर इसका रेफरेंस देखो जो कि बी टू के अंदर हमें दिया गया है पेरेंथिस क्लोज कॉमन अब मुझे फॉर्मेट देना है टैक्स का तो मैं कहता हूं डबल कोट के अंदर जीरो 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 डबल कोट क्लोज मुझे इस फॉर्मेट के अंदर इस टैक्स को करके दो पेरेंथेसिस क्लोज आई प्रसेंट आप देख रहे हैं कि यहां पर यह रो नंबर टू था तो मेरे पास यहां पर फॉर्मेट उसी तरह से आ गया कि रो का नंबर ले लो और इसके फॉर्मेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दो सो रो से हमने रो नंबर को निकाला B2 की रो नंबर टू है और टू को इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दो इस फॉर्मेट के अंदर जब टू नंबर आया तो पहले तीन जीरो आ गए उसके बाद टू आ गया मैं इसी को नीचे ड्रैग कर देता हूँ रोड नंबर यूनिक हैं तो इन सब के नंबर भी यूनिक मेरे पास आ गए अब थर्ड स्टेप के अंदर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है सो so, मैं स्टेप थ्री के नीचे कंबाइन करने जा रहा हूं अपर फंक्शन अपर फंक्शन के अंदर हमने इस लेफ्ट को टेक अप किया था लेफ्ट बी टू कॉमा थ्री अपर फंक्शन क्लोज इसके बाद मैं एम सिंबल दे रहा हूँ इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो किसके साथ इन डिजिट्स के साथ सो so, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट पेरेन्थीसिस स्टार्ट रो फंक्शन स्टार्ट रो के अंदर इसका रेफरेंस ले लो B2 का पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा और अब मुझे फॉर्मेट टेक्स के अंदर डबल कोट के अंदर चार बारी ज़ीरो देना है डबल कोट क्लोज पेरेंथेसिस क्लोज आई प्रेसेंटर आप देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पर कंट्री के नाम के तीन अल्फाबेट्स आ गए और उसके बाद चार डिजिट्स आ गए मेरी यही तो रिक्वायरमेंट थी और ये मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हो गई जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर लिख रहा हूँ स्टूडेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है और इनकी प्रॉपर इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो आप अपने क्वेश्चंस को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को तीन स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया पहले तो कंट्री के नाम को अलग कर दो फिर इनके फोर यूनिक डिजिट्स को अलग कर दो और बाद में इनको आपस में क्लब कर दो I hope that this particular thing will be interesting to you and it will become very easy to you now. Thank you very much.